गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि समय क्या होता है, यानी व्हाट इज टाइम। जैसा कि हमने उस पिछले वीडियो में देखा था, आप ही के जैसी एक छोटी सी प्यारी बच्ची सोना एक दिन में बहुत सारे काम करती है, पर वह अलग-अलग काम अलग-अलग समय करती है। जैसे दिन के समय वह पढ़ाई करती है, दोस्तों के साथ खेलती है और रात के समय सो जाती है ना? तो दिन और रात क्या होता है? हमें मालूम है कि सूरज यानी सन पूरब से निकलता है, यानी ईस्ट से निकलता है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी सारी जगह फैल जाती है और हम इसे सुबह कहते हैं। सोना भी अपने ज्यादातर काम दिन में ही कर लेती है जब सूरज की रोशनी रहती है, और शाम के समय सूरज पश्चिम में अस्त हो जाता है ना? तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को दिन कहते हैं, दिन का समय कहते हैं। हम सब ही अपने अधिकांश काम दिन में करते हैं। यह वह समय होता है जब हम सब जागते रहते हैं और सूरज तेजी से चमकता रहता है ना? सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई नहीं देता है और अंधेरा होने लगता है। तो सूर्यास्त के बाद और अगले दिन के सूर्योदय के पहले के समय को हम रात कहते हैं, यानी नाइट। रात के समय हमें आसमान में चमकता हुआ चांद और झिलमिल करते तारे नजर आते हैं। यह वह समय होता है जब हम दिन भर का काम करके और खेलने के बाद हम सो जाते हैं ना? तो हमने उस वीडियो में दिन के समय क्या-क्या चीज देखी थी? सोना सुबह दिन के समय स्कूल गई थी। स्कूल में उसका सबसे पसंदीदा समय था ड्राइंग का पीरियड, जब वह ड्राइंग कर रही थी। स्कूल से घर आने के बाद सोना अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, और रात के समय वह बिस्तर पर जाकर सो जाती है। क्या आपको पता है, दिन और रात मिलाकर एक पूरा दिन 24 आवर्स का होता है, यानी 24 घंटे का होता है। लेकिन तब भी बहुत से बच्चों को ये लगता है कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए या कार्टून फिल्म देखने के लिए समय ही नहीं मिलता। आपके पास 24 आवर्स है। यदि हम भी सोना की तरह एक दिनचर्या बना ले, एक डिसिप्लिन बना ले, तो हम अपने सारे जरूरी काम, जैसे कि होमवर्क करना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ खेलना, सब के लिए समय निकाल पाएंगे। हमें बस अपनी दिनचर्या बनाने के लिए समय के बारे में और जानना पड़ेगा। तो चलिए अब हम घड़ी में टाइम देखना सीखते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके दो हाथ है, एक चेहरा है, लेकिन उसके पैर नहीं है, बाहें नहीं है? दो हाथ है और सिर्फ चेहरा, ऐसा क्या है? जी हाँ, वह घड़ी है, यानी क्लॉक। घड़ी किस काम में आती है? घड़ी हमें समय बताती है। चलिए देखते हैं कि घड़ी समय कैसे बताती है। आप सोचते हैं कि जब आसमान में देखकर हमें पता चल जाता है कि अभी दिन है या रात है, तब घड़ी की जरूरत क्या है ना? तो यदि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या समय हो रहा है, तो आप स्कूल जाने में देर हो सकती है, या आपको टीवी पर एक निश्चित समय पर आने वाला पसंदीदा कार्टून समय सीरियल आप मिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती है अगर आपको
घड़ी में समय देखना ना आए तो। तो चलिए अब हम घड़ी के बारे में अच्छे से समझते हैं। घड़ी के दो हाथ होते हैं, या कह लो सुइया होती है। देखिए एक यह हाथ और एक यह हाथ, और यह बड़ा सा गोल घड़ी का चेहरा है। इसीलिए हमने कहा था कि घड़ी के दो हाथ होते हैं जो हिलेंगे, और एक चेहरा होता है, ये इसे चेहरे को डायल कहते हैं। ये सर्कल के शेप में होता है, तो यह सर्कल के शेप में हो गया डायल, और उसके अंदर हो गई यह दो हाथ, या इन्हें सुइया भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर क्या लिखे हुए। घड़ी के डायल को, यानी ये गोल को, बराबर के भागों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घड़ी के डायल को 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब आप सोच रहे होगे, मुझे मालूम है मैं आप सबका समय दिमाग पढ़ सकता हूँ, कि 12 भाग में ही क्यों, 11 में क्यों नहीं, 13 में क्यों नहीं, 10 में क्यों नहीं। जैसा कि हम जानते हैं एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 24 आवर्स, और उसे हम दिन में और रात के समय में बराबर बांट देते हैं। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इसीलिए घड़ी में 12 बराबर के भाग होते हैं। और जो घड़ी के ये जो हाथ या सुइया होती है, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। और एक ही घड़ी हमें दिन और रात दोनों का समय बता सकती है। वह कैसे, चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों या हाथ को देखिए, इन दोनों की लंबाई अलग-अलग होती है। एक हाथ होता है छोटा, इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड, और एक हाथ होता है बड़ा, इसे कहते हैं लॉन्ग हैंड या लंबी सुई। ठीक है ना, यह है छोटा हैंड और यह है लंबा हैंड। देखिए थोड़ा लंबा है इससे, है ना। तो अब हम समय पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह जो घड़ी दिखाई गई है, इसमें इस समय क्या समय हो रहा है। इसकी जो बड़ी सुई है, इसे मिनट का हैंड कहते हैं, यह अभी 12 पर है। और छोटी सुई जो होती है, या छोटा हैंड जो है, वो 7 पे है ना। छोटा 7 पे है और बड़ा 12 पे है। तो छोटे हैंड को बोलते आर हैंड, जो घंटे बताता है, और बड़े वाले को कहते हैं मिनट हैंड, जो मिनट्स बताता है। तो इस समय 7 बज रहे हैं, 7 o'clock। कैसे, किसी भी घंटे के समय बड़ी सुई हमेशा 12 पे होती है। जब घंटा होता है 7, 8, 9, 10, जब भी घंटा पूरा होता है तब बड़ी सुई 12 पे होती है। और कितना घंटा हुआ है वह पता चलता है छोटी सुई से। तो इस समय बड़ी सुई है 12 और छोटी है 7, तो 7 बज रहे हैं। 7 बजे सोना क्या करती है, वह अपना डिनर करती है, या रात का भोजन करती है। देखिए यहाँ दिख रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, यानी सोना का रात में भोजन का समय। पर आप सोच रहे होगे हमें कैसे पता चला कि ये रात के 7 बज रहे हैं या सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सोना बाहर जाके देखती है। अगर बाहर सूरज नहीं है तो रात के भोजन के समय के 7 बज रहे होंगे, और अगर बाहर सूरज है तो सुबह के नाश्ते के समय के 7 बज रहे होंगे, है ना। तो एक ही 12 घंटे की सुई से हम पता लगा सकते हैं कि क्या समय हुआ है, और बाहर जाके देख सकते हैं दिन है कि रात है। तो उससे समझ में जाएगा ये दिन के साथ है कि शाम के, सुबह के साथ है कि शाम के साथ है। देखिए सोना कितने बजे सोकर उठती है, घड़ी में देखिए, यह जो बड़ा काटा है या सुई है, ये 12 पे है, और छोटी सुई है 6 पे, यानी
6 बजे सोना उठ रही है। देखिए यहाँ पे छोटी घड़ी में भी 6 बज रहे हैं। तो जब भी बड़ा हाथ 12 पे हो तो छोटा हाथ जिस भी नंबर पे हो उतने बज रहे होते हैं। तो ये 6 बज रहे हैं। सोना बस स्टॉप कितने बजे पहुंचती है, चलिए पता लगाइए। बड़ी सुई है 12 पे और छोटी सुई है 7 पे, तो सोना 7 बजे बस स्टॉप पहुंचती है। सोना का स्कूल कितने बजे शुरू होता है, ध्यान से देखिए। बड़ी सुई है 12 पे और छोटी है 8 पे, तो इस समय 8 बजे है और सोना का स्कूल शुरू हो गया है। स्कूल में ब्रेकफास्ट का समय क्या है, नाश्ते का जो ब्रेक टाइम होता है। बड़ी सुई है 10 12 पे और छोटी सुई है 10 पे, यानी 10 बजे सुबह एक ब्रेक पीरियड है जिसमें सब बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने देखा था सोना को ड्राइंग की क्लास बहुत पसंद है। देखिए यहाँ क्या समय हो रहा है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे भी बनाया है। बड़ी सुई है 12 पे और छोटी है 11 पे। तो हमने जैसा सीखा, अगर बड़ी 12 पे हो तो छोटी जहाँ पे भी हो, 9 10 11 12 उतना बज रहा होता। तो इस समय छोटी सुई है 11 पे, मतलब 11 बज रहे हैं, दोपहर के 11। देखिए धूप भी है, तो यह ड्राइंग टाइम है सोना का। और दोपहर के भोजन का समय क्या है, ध्यान दीजिए। बड़ी सुई भी 12 पे है, अरे छोटी कहाँ गई? छोटी सुई भी वहीं है, वो उसके पीछे छुप गई है। यानी छोटी भी 12 पे, बड़ी भी 12 पे, यानी 12 बज रहे हैं। तो सोना अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही है, यानी खाना खा रही है। और कितने बजे सोना वापस स्कूल से आ रही है, ध्यान से समय देखिए। बड़ी सुई है 12 पे, तो छोटी सुई बता रही होगी हमें कितने बजे है, 2 बज रहे हैं। दोपहर के 2 बजे सोना घर आ रही है। और अभी क्या समय हुआ है, अभी 3 बज रहे हैं, यानी 3 o'clock, जब सोना पढ़ाई कर रही है, अपना होमवर्क खत्म कर रही है। और इस समय सोना खेल रही है, सबसे मजेदार समय। वह क्या टाइम हुआ है, 4 बज रहे। देखिए बड़ी सुई 12 पे है और छोटी 4 पे है, मतलब शाम के दोपहर के 4 बज रहे हैं। और अब सोना खाना खा रही है शाम के 7 बजे। और 9 बजे सोना अपने दांतों को ब्रश करके बिस्तर पर सोने चली जाती है। निद्रा टाइम। अब आप जानते हैं कि सोना 4 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है। घड़ी में देखिए, क्या अभी 4 बज रहे हैं? नहीं, छोटी सुई है 3 पे और बड़ी सुई है 12 पे, यानी अभी 4 नहीं बजे हैं, अभी 3 बज रहे हैं। इसलिए अभी सोना का खेलने का समय नहीं हुआ है। अब 4 बज रहे, देखिए छोटी सुई 4 पे आ गई, तो अभी सोना का खेलने का समय हो गया है। लेकिन क्या मिनट की सुई हमेशा 12 पर रहती है? नहीं, यह भी घूमती है, जो कि हम अगले लेसन में देखेंगे। तब तक खूब मजे करिए, अपने सारे काम समय पर करिए, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है बच्चों। टाइम इज प्रेशियस। क्यों? क्योंकि एक बार निकल जाता है तो यह वापस नहीं आता है। हमारे टाइम बोलते थे समय ही सोना है, सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड। समय ही गोल्ड है, टाइम बहुत प्रेशियस है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए बच्चों, सब काम समय पे करो। बाय बाय।